यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद निकाय चुनाव अग्नि परीक्षा में सीएम योगी ने साबित कर दिया कि बीजेपी ने उन पर सही भरोसा किया था। बीजेपी ने इन चुनावों में विपक्ष का सफाया कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 14 पर बीजेपी के मेयर का चुनाव हुआ है, जबकि 2 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस और एसपी का पूरी तरह से सफाया हुआ है। जीत से गदगद सीएम योगी ने सूबे की जनता का धन्यवाद किया और विपक्ष को कड़ा संदेश दिया है। जो लोग कहते थे कि चुनाव के परिणामों के बारे में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया और अमेठी में भी उनका बिल्कुल सफाया हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100% परिणाम पाने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर होगी। आप सबको एक सकारात्मक सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। 198 नगर पालिकाओं और 438 नगर पंचायतों में भी बीजेपी का दबदबा रहा। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर पार्टी और सीएम योगी को जीत की बधाई दी है। यूपी में 3 फेज में 22, 26 और 29 नवंबर को वोटिंग हुई थी। ये चुनाव 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले यूपी के लिए सेमीफाइनल की तरह थे, जिनमें यूपी के कुल 3.36 करोड़ लोगों ने बीजेपी की जीत का फैसला किया है। चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत से साफ है कि देश में मोदी लहर के साथ साथ सीएम योगी का जादू भी सूबे की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। साथ ही रिजल्ट गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी काफी अहम है। संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।